अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड थ्री हमने आपकी दर्सी किताब कहकशा का सबक नंबर एक चिड़िया के बच्चे हमने पढ़ लिया था। आज हम सबक नंबर दो शुरू करेंगे। सबक नंबर दो का नाम है रंग। इसमें आप रंग के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सबक पढ़ते हैं, उसके बाद साथ में आपको समझाऊंगी भी और फिर इसका काम दूंगी। तो सबक पढ़िए मेरे साथ ही कि बानो को तस्वीर बनाने का शौक था। बानो को तस्वीर बनाने का शौक था। वो खास तौर पर गुड़िया की तस्वीर बहुत अच्छी बनाती थी। आपको मालूम है कि बानो जो है लड़की है और लड़कियों को ज़्यादा खेलना क्या पसंद है, गुड़िया गुड़िया खेलती हैं, घर घर खेलती हैं लड़कियाँ। तो बानो को ज़रा लड़की है तो उसको गुड़िया अच्छी लगती थी, इसलिए वो गुड़िया की तस्वीर बनाती थी। तो बानो को तस्वीर बनाने का शौक था, वो ख़ास तौर पर गुड़िया की तस्वीर बहुत अच्छी बनाती थी। एक रोज़ उस्तानी के मायने उस्तानी यानी कि उसकी टीचर, तो एक रोज उस्तानी ने बच्चों से कहा कि वो अपनी पसंद की तस्वीर बनाएं और उसमें रंग भरें। उस्तानी ने बच्चों को क्या कहा, उनको चॉइस दी, उनको बच्चों को कहा कि वो अपनी पसंद की तस्वीर बनाएं, उनकी मर्जी है वो कोई भी तस्वीर बनाएं। तो एक रोज उस्तानी ने बच्चों से कहा कि वो अपनी पसंद की तस्वीर बनाएं, उनको जो भी तस्वीर पसंद हो वो उसको बनाएं और उसमें रंग भरें। रंग भरना एक दिलचस्प काम था। बच्चों को तो रंग भरना बहुत पसंद है ना, तो इसलिए रंग क्या बताया आपको कि रंग भरना एक दिलचस्प काम था। उस्तानी ने मुख्तलिफ रंग और ब्रश बच्चों को दिए। कौन कौन से रंग दिए? लाल, पीले, नीले, सफ़ेद और काले। कौन कौन से रंग दिए? लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद और काले रंग शीशियों में भरे थे। किसमें भरे थे? शीशियों में। ठीक है, यहाँ पे क्या मैं एक ये मुझसे रह गया, तो आप बुक पे देखिएगा, शीशियों इनके छोटी छोटी जो शीशी होती है उसके अंदर रंग जो थे वो कौन से रंग? लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद और काले रंग शीशियों में भरे हुए थे। उन रंगों को देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। एक बार और पढ़ें। बानो को तस्वीर बनाने का शौक था, वो खास तौर पर गुड़िया की तस्वीर बहुत अच्छी बनाती थी। एक रोज उस्तानी ने बच्चों से कहा कि वो अपनी पसंद की तस्वीर बनाएं और उसमें रंग भरें। रंग भरना एक दिलचस्प काम था। रंग भरना क्या था? दिलचस्प काम यानी कि मजे का काम। दिलचस्प मायने क्या है? मजे का काम, जो अच्छा लगे, आपके दिल को अच्छा लगे। तो रंग भरना एक दिलचस्प काम था। उस्तानी ने मुख्तलिफ रंग और ब्रश बच्चों को दिए। लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद और काले। कितने रंग है इसमें? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 रंग बताएं आपको, कौन कौन से? लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद और काले रंग। तो काले रंग किसमें थे? शीशियों थे, शीशियों में भरे हुए थे। उन रंगों को देखकर बच्चे खुश हो रहे थे। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको इस पैराग्राफ को आपको बहुत अच्छा खूबसूरत लिखना है, और नंबर दो आपको क्या करेंगे, पैराग्राफ को लिखना है। उसके बाद अब जो रंग इसमें दिए मैंने, लाल, हरे, पीले, नीले, सफेद और काले, आप कोई भी तस्वीर बनाइएगा अपनी पसंद की कोई भी अपनी पसंद की तस्वीर बनाइएगा और उसमें आप ये रंग भरिएगा, लाल, हरे, पीले, नीले, सफ़ेद और काले। ये 6 रंग, 6 रंग आप तस्वीर में भरेंगे
और आप फिर रंग पे लाइन लगा के उसका नाम लिखिएगा कि लाल कौन सा है इसमें, हरा कौन सा है, पीला कौन सा है, नीला कौन सा है, सफेद और काला कौन से हैं। ठीक है, ये रंग आप भरिएगा और उसके नाम भी लिखिएगा। ठीक है, फिर आप ये आपका होमवर्क है जो आप मुझे कॉपी बाद में जब दिखाएंगे तो उसमें मैं चेक करूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।